हाँ जी, ताओबाट हम रुके थे 2 मिनट के लिए, सुसु वगैरह किया, पानी वगैरह पिया, जायज़ा लिया ताओबाट का। अब कहते हैं कि से आगे एक जगह का नाम है बाला, वहाँ बिल्कुल ना लास्ट एंड वहाँ ख़त्म हो जाता है आपका अपना मुल्क पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो फिर अब मैं उधर जा रहे उस पॉइंट को टच करने, उधर से हाथ लगा के फिर वापस ताबट आएंगे। और ये रास्ता सबसे मुश्किल है, देखते हैं कि यहाँ से बाला कहते हैं इतना नहीं है, 10-15 मिनट ही है, देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। लास्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। हाय हाय, ये जा रहा है जी रास्ता आखिरी कोने पे। और ये जितना भी सफ़र किया ना, ये जो 15-20 मिनट का बता रहे हैं ना, ये सबसे मुश्किल रास्ता है। इतना 3 घंटे के रास्ते ने नहीं तोड़ा जितना अभी मैं 5 मिनट में टूट गया, लेकिन सीन्स हैं तो इसीलिए चल रहा हूँ। सारा असल में जो काम है ना सीन्स के, वो आपको ना पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं, आप स्लोली स्लोली जाते रहते हो। बस इधर आपने नेगेटिव एनर्जी से बचने, एनर्जीज अपनी पॉजिटिव रखनी है। मस्त मस्त ना ना, हाय 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 हाय, ये सही ऑफ रोड एडवेंचर है, बड़े मुश्किल रास्ते हैं, बीच बीच में उतरना पड़ता है एक बंदे को। अच्छा तू ऊपर 4 हजार से नाल है पानी बिचू टल जा। अब ये रास्ता जी मुश्किल, पानी का रंग भी मिट्टी वाला है, कोई पता नहीं कितना शूज गीले हो गए। ओए आ
ज़ालमो, इतना मुश्किल आखिरी कोना पाकिस्तान का, हाय मैं था मर गई यहाँ। ओह शूज सारे गीले हो गए, पाँव गीले हो गए। वो स्नैन साहब चलते आ रहे हैं, हाय हाय हाय। ओह मेरे ताऊ बाट, आए मेरे बट ताऊ ताऊ। हो नहीं 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 दे, ये हरी इधर आ गए ना, रोड खत्म हो जाती है। ये हरी पाकिस्तान का आखिरी कोना, इसके आगे अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल ना इधर आ गए ख़त्म, मुक गया जी कश्मीर, इधर आ गए ख़त्म, इधर का टूर मुक गया। टूर नहीं मुका लेकिन कश्मीर ख़त्म हो गया जी, इससे आगे आप पता नहीं क्या है। अब उधर से मोटरसाइकिल रिवर्स का मसला था, आमड़ दे पीछे, तो वो बंदे कहते हैं उधर ना खड़ी करो, खच्चर वगैरह गुजरते हैं तो जाते हुए बाइक तोड़ देंगे। तो हम नीचे ये थोड़ी सी साइड पे खड़ी करेंगे वो उधर। अरे तो जगह आई नाल, ये जगह ठीक है बाइक खड़ी करने के लिए, उसके बाद फिर हम पैदल तक जाएंगे, रुकते हम भी नहीं है, आखिरी जगह का टच करके ही आएंगे। अब जी पैदल शुरू हो गया जी, जहाँ तक रास्ता जाता है। हाइक है, थोड़ी सी ट्रैकिंग है, हम पैदल ही जाएंगे। हाँ बाइक तो यहाँ से गुजरने को रही। हाँ ये बस हाँ जी 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 राजा जी, चलते जा रहे हैं जी। ये जी रिवर क्रॉसिंग है, पुल के ऊपर से बड़ा ना डेंजरस किस्म का ही बना हुआ है। ओ, 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 बड़ा डेंजरस पुल था, उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये पहाड़ के पीछे जी बता रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान है, इधर सारा है इंडिया है, और ये हम पाकिस्तान के आखिरी कोने पे हैं बैठे हुए। इधर बस हमारा स्टे है, इधर आप सीन्स चेक करें। सारे
पाकिस्तान के लास्ट कॉर्नर के, इधर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ये मेरे पीछे जो पहाड़ है ये जीबी का है, इधर से पीछे इंडिया शुरू हो जाता है। ताओबाट से आगे लास्ट डेस्टिनेशन, इससे आगे अब और कोई रास्ता नहीं जाता। और आखिरी डेस्टिनेशन पे ही सारे ज़बरदस्त किस्म के सीन है। और यहाँ पहुँचते हुए भी ना बड़ा ना मुश्किल रास्तों से गुजर के पहुँचना पड़ता है, इतना आसान नहीं है यहाँ पहुँचना। Take me higher to the valleys and mountains that touch the sky. Oh, Pakistan, you steal my heart with your beauty that's a work of art. Oh, 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 इन दरख्तों में जा रही है गड्डी लम्बो लम चिक्के चिक्के, अब गा रहे हैं जी वापसी। ताओबाट में रुकेंगे, वहाँ कुछ खाएं पिएंगे, फिर देखते हैं कि आगे का प्रोग्राम क्या है। मजा वामी खा बदामी। समझ गए, मजा वामी द खा बदामी। वापसी पे फिर वही दरिया क्रॉस करने जहाँ से गुजर के आए थे। अब तो पाँव लग गया नीचे, शूज गीला हो गया, जाते हुए पाँव नहीं लगा था। कर तो लिया, जी ओए क्या ख्याल है, ड्राइवर ना मैं अच्छा हूँ, अब ना मुझे खुद फील हो रहा है कि ठीक चला लेता हूँ। हाँ जी, हम अब ताओबाट में वापस आ गए, तो अब इधर से अब खाना वगैरह के लिए कोई जगह ढूंढनी है, खाना खाएंगे। हम देखते हैं कि कहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, एक राउंड ऊपर से भी लगा के आते हैं। वही देखने वाली है, ये तो कुछ भी नहीं वैसे, ये इधर बस गाड़ी है, उधर ये आपको ये होटल वगैरह नहीं नजर आएंगे। 10-15 मिनट का है रास्ता, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, पानी में से एक दो दफा, लेकिन और दूर भी नहीं है 10-15 मिनट। जी जी हाँ है, नहीं ये इधर बस ये दरिया ही है, और अगर उधर जाएंगे ना तो 3-4 गाँव क्रॉस करके जहाँ भी आप रुके तो एक जगह रास्ता से जाता है, उधर पीछे तो ऐसी बाइक खड़ी करके फिर आगे पैदल जाएंगे ना तो फिर नीचे भी दरिया आता है। वो इससे खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा स्पॉट है, कहीं भी रुक सकते हैं आप, वो कोई बात नहीं।
भाई को नहीं पसंद आई था, बट ये कहते हैं इन्होंने भी बाला देखने, कुछ इतनी दूर आगे कहते हैं कुछ भी नहीं है। ये जी आगे इधर कुछ खास नहीं है, बस वैसे ही मैं रास्ता देखने आया था। वापस अब देखते हैं कोई रेस्टोरेंट पे खाते पीते हैं फिर वापस चलते हैं। हाँ जी, इधर अब पुल के पार कहीं जाएंगे, खाएं पिएंगे। ये साफ सी जगह उन्होंने बनाई हुई है, पुल की क्रॉसिंग करनी है, मोटर बाइक हम ऊपर ही खड़ी कर रहे हैं और इधर से अब जाके देखते हैं कि फिर आगे के क्या सीन है। और पुल बड़ा काम पर है, ओए पुल के साथ साथ मेरी टांगे भी काम पर हैं और पुल भी काम पर है, और पीछे से जानबूझ के ना ज़्यादा हिला रहे, ये ना मेरे साथ माहौल कर रहे। हाँ जी, अभी हम रुके इधर ताबाबाद में, एक दरिया के पास जगह थी ये, साथ में दरिया गुजर है, वो पुल क्रॉस करके आए और इधर से अब हम फिश खाएंगे, ट्राउट वगैरह, और उसके बाद फिर हम वापसी करेंगे, रुकेंगे नहीं अब ताबाबाद में। ना वापसी हमारी शारदा में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारा प्लान था ना नूरी टॉप से नरान की तरफ जाने का, वो नूरी टॉप बंद है, तो हमें अगर नरान जाना पड़ा तो मुजफ़्फ़राबाद की तरफ से जाना पड़ेगा, जो मुजफ़्फ़राबाद इधर 15-16 घंटे की इधर से ड्राइव है, तो हमारा दिल है कि आज आधा हो जाए, आधा फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। हाँ जी, आज की रात ना हमने इधर गुजारनी है जी शारदा में, और जैसे ताबाबाद से भागते 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 बस शारदा आ गए, रात को इधर पहुँचे, अभी किचन से चिप्स बनवा के खाए, इधर होटल में स्टे होगा, आज भी कैंपिंग नहीं हुई, और सुबह इधर से ना फिर हमने अब सोच रहे हैं कि अब उधर नरान वाली साइड पे, केपी वाली साइड पे निकलें, वो अब सुबह देखेंगे। ये शारदा के व्यू हैं रात को, ये बिल्कुल आप देखें प्योर ना कश्मीर वाली फीलिंग, अब सही मतलब ये पक्का कश्मीर है।